नहीं, हम लोग किसी से बदला नहीं ले रहे हैं जी। हम लोग अपने हिस्सा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन में कोई पार्टी यहाँ राइज नहीं करती है, किसी ने इस बात पे नहीं गौर किया। और एक बहुत बड़ा तोहफा गोपालगंज में देने जा रहा हूँ जी। मैं खुद कुर्नी में गया था, काफ़ी डोर टू डोर मेहनत किया मैंने, और वहाँ हमारे मुर्तजा साहब इलेक्शन लड़े, वोट भी मिला उनको अच्छा खासा। अभी हरवा दिए महागठबंधन को आप लोग? देखिए, कोई किसी को हरवाता नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। गोपालगंज एक बहुत हॉट सीट मानी जाती है। गोपालगंज जिला लोकसभा का भी सीट हो या विधानसभा का भी सीट हो, अभी पिछले साल यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, जिसमें AIMIM के प्रमुख रोल रहा। महागठबंधन के नेता उम्मीदवार को हरवाने में AIMIM का प्रमुख रोल रहा यहाँ पे गोपालगंज विधानसभा में। तो हमारे साथ AIMIM के कैंडिडेट अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे 2024 में इन लोग का क्या रोल होगा, क्या 2024 में भी ये लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे यहाँ से या किसी महागठबंधन सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो आइए इससे सब बुंदे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल आपका स्वागत है। शुक्रिया आपके पंचायत चैनल को। सर, 2022 में आप लोग का अहम रोल रहा महागठबंधन को हरवाने में, 2024 में क्या होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि 2022 नहीं बल्कि 2020 में ही मेरा पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा जी। महागठबंधन कहिए या महाठगबंधन कहिए, उनको हरवाने में कहिए या जो भी कह लीजिए। इसलिए सीमांचल में हमारी पार्टी से 5 विधायक जीत के आए, और हमारी पार्टी उनको अंदरूनी या बाहरी सपोर्ट भी की, चाहे वो असेंबली का स्पीकर हो, उनके चुनाव में भी हमारी पार्टी सहयोग की थी, ये सारी दुनिया ने देखा है। उसके बावजूद भी महागठबंधन ने, या तेजस्वी यादव हो या नीतीश बाबू हो, इन लोगों ने अंदरूनी साजिश करके हमारे पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ लिया, और वो तोड़ने की वजह से हमारी पार्टी कभी सीमांचल छोड़ के यहाँ से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी जी। लेकिन मजबूरी बस हमारी पार्टी तहैया कर ली है कि पूरे बिहार में 2025 में हर सीट से इलेक्शन लड़ेगी, हर सीट पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी हमारी पार्टी, और 2024 में भी गोपालगंज से लोकसभा के चुनाव AIM पार्टी से उम्मीदवार उतारी जाएगी। क्या आप लोग बदला ले रहे हैं क्या सरकार से, महागठबंधन सरकार से, पार्टी तो विधायक तोड़ने के बदले में? नहीं, हम लोग किसी से बदला नहीं ले रहे हैं जी। हम लोग अपने हिस्सा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन अगर हमारी हिस्सेदारी पे तैयार होती है, हमारे साथ अलायंस करती है, तो हम उसके साथ हैं। इसलिए कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से RJD को वोट करते आए हुए हैं जी। आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, खासकर अल्पसंख्यकों से, तो उनका यही जवाब होगा कि हम लोग RJD को वोट करते आए हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से RJD का रवैया ढुनमुन रवैया हो चुका है, इसलिए कि पहले अल्पसंख्यकों की पार्टी थी, MY की समीकरण थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव A to Z के पार्टी बना चुके हैं, इसलिए अकलियतों की मोह माया भंग हो चुकी है महागठबंधन से। तो क्या इस वजह से आप लोग पार्टी से मतलब अपना कैंडिडेट उतारेंगे 24 और 25 दोनों में? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह RJD है, उनका कितने लोकसभा कैंडिडेट हैं, एक भी विधानसभा लोकसभा में कोई जीत के नहीं गया है। हमारे पार्टी से तो कम से कम 2 MP जीते हुए हैं, हमारे सदर वैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, तो उनसे बड़ी पार्टी है, RJD से बड़ी पार्टी है हमारी AIM पार्टी। इसमें किसी के बदले की भावना की बात नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी स्वतंत्र है, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी लड़ सकती है, ये हमारी अधिकार है। 2022 में भी आप लोगों से वादा किए थे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, शहर को बदलने के लिए, फिर भी जनता आपको ट्रस्ट नहीं किया आपके ऊपर, क्यों? देखिए, हमारी AIM पार्टी की पहली लड़ाई थी गोपालगंज उपचुनाव में, और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के मुझे वोट किया, खुशी है मुझे जितनी वोट मिली उसी से। इसलिए कि एक दिन में कोई पार्टी यहाँ राइज नहीं करती है, मुझे खुशी है कि कम से कम 14-15 हज़ार लोगों ने मुझे वोट किया, आने वाले दिन में लोग और ज़्यादा करेंगे और मुझे जिता के यहाँ से असेंबली भेजने का काम करेंगे लोग। और वादे की बात है, हम पूरे दिन लोगों के ही खिदमत में लगे रहते हैं। कुछ गोपालगंज ज़िला में एक मदरसा इस्लामिया की जिम्मेवारी लोगों ने मुझे दिया, मैं उसका सेक्रेटरी या सचिव हूँ, मैं उसका दर्जा बढ़ाने का भी काम किया, आलिम तक मैंने उसको करवा दिया, जबकि मौलवी का दर्जा 1956 में मिला था। इस दौरान में काफ़ी अंतरकाल है,
किसी ने इस बात पे नहीं गौर किया और एक बहुत बड़ा तोहफा गोपालगंज में देने जा रहा हूँ। इस्लामिया कम्प्लेक्स एक बन रहा है जिसमें हजियापुर रोड में, उसमें भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि हमारे मदरसे की तरक्की हो और हमारे कौम की तरक्की हो। गोपालगंज का सीट रिजर्व है तो 2024 में आपका कैंडिडेट कौन होगा? गोपालगंज रिजर्व सीट है तो यहाँ से हमारे दलित भाई लड़ेंगे और हम लोग कैंडिडेट पहले से तैयार करके रखे हुए हैं और उस पर काम भी चल रहा है। जब वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी यहाँ से नॉमिनेशन कर रहा है। तो ठीक है, पता चले, लेकिन कोई भी दलित आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? मतलब ये तो आपकी सोच है कि कोई दलित क्यों आप पे रिस्क करेगा, लेकिन हमसे आए दिन लोग कॉन्टेक्ट बनाते हैं कि अपने पार्टी से हमको टिकट दिलवाइए, हम लोकसभा चुनाव यहाँ गोपालगंज से लड़ेंगे। अच्छा, 2024 में चुनाव आप लड़ते हैं तो आप लोग का मुद्दा क्या होगा? वही मुद्दा, हिस्सेदारी की मुद्दा होगा जी, जिसमें दलित, पिछड़े, गरीब, कुचले, मजदूर, अल्पसंख्यक सबका मुद्दा होगा कि सबको हक बराबर मिलनी चाहिए। और जो भी यहाँ प्रशासन की लाचारी है कि आए दिन यहाँ लोगों का ज़मीन हड़पा जा रहा है या और भी प्रशासनिक तौर पे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, उस पर हमारे पार्टी का फोकस रहेगा, हम लोगों का भी फोकस रहेगा उसी। वो ज़मीन किसके द्वारा हड़पा जा रहा है सर? यहाँ गोपालगंज में आपको मैं बता दूँ कि आए दिन भू माफिया लगे हुए हैं और उनका संरक्षण प्रशासन से मिलती है, इसलिए कि जिसकी ज़मीन जाती है वो उसकी तो ज़मीन जा रही है और जो ज़मीन हड़प रहा है वो नजायज पैसा मिलता है, वो पैसा आगे तक खिलाता है लोगों को और उन लोगों को सह मिलता है। आए दिन आप एक बार देखें जी, तो आए दिन कम से कम गोपालगंज ज़िला में 50 मुकदमा होता है जिस ज़मीन हड़पने के सिलसिले में, और आप कोर्ट कचहरी में भी जाके देखेंगे तो लोग काफ़ी परेशान हैं, किसी को सहारा नहीं मिल रहा है। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि देखने में आ रहा है कि हर ब्लॉक के अंदर, हर अंचल के अंदर सीओ लोग थाने के साथ बैठ के कुछ निपटारा कर रहा है लोग, अगर सही दिल से वो लोग निपटारा करें तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन आप ही के समुदाय के बहुत लोगों का ये कहना है कि ये एनएम वोट कटवा पार्टी है, वो बीजेपी की बी टीम है, तो उनकी उनको भरोसा आप कैसे दिला पाएंगे? हमारे ही कौम के लोग जो कहते हैं वो दलाल हैं, जो जो आदमी इस बात को कहता है कि AIM पार्टी वोट कटवा पार्टी है। हम आपसे बता दें, औरंगाबाद में हमारी पार्टी जीती है लोकसभा सीट, सीमांचल से 5 सीट जीती, महाराष्ट्र में भी हमारे 2 विधायक हैं। तो ये जो लोग कहते हैं वो दलाल हैं या तो ना समझ हैं, उनको समझ नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों की अपनी कोई पार्टी खड़ी हो, इसलिए वो लोग ये बात को कहते हैं। कुर्नी में भी आप लोग का अहम रोल था जी, मैं खुद कुर्नी में गया था, काफ़ी डोर टू डोर मेहनत किया मैंने और वहाँ हमारे मुर्तजा साहब इलेक्शन लड़े, वोट भी मिला उनको अच्छा खासा। अभी हरवा दिए महागठबंधन को आप लोग? देखिए, कोई किसी को हरवाता नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं, गोपालगंज विधानसभा AIM पहली बार लड़ी है, इससे पहले 3 बार जो RJD या महागठबंधन हारी है उसको किसने हरवाया? ये तो गलत इल्ज़ाम है। पहली बार AIM ने गोपालगंज विधानसभा से इलेक्शन लड़ा तो हार गया महागठबंधन, लेकिन इससे पहले 3 बार जो महागठबंधन या RJD हारी है उसका सिरा किसके ऊपर दीजिएगा? इंजाम तो आप ही लोग के ऊपर जा रहा है ना, गोपालगंज और कुर्नी दोनों का। और हम इंजाम लगाते हैं कि हमारे 4 विधायकों को उन लोगों ने तोड़ लिया, उसका क्या आप जवाब दे सकते हैं हमको? लेकिन आपके विधायक क्या पता कि अपने इच्छा अनुसार गए हों उसमें? देखिए, कोई किसी इच्छा अनुसार नहीं जाता है, अगर वो अपने में नहीं मिलाते, पैसे के बल पे नहीं तोड़ते तो हमारे कोई विधायक नहीं जाते। उनको लालच दिया गया मंत्रिमंडल का, हालांकि किसी को मंत्रिमंडल मिला नहीं, मिला भी एक शाहनवाज को तो वो भी झुंझुना मंत्री मिला उनको। अच्छा, क्या पता, मतलब आप भी बार बार हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आप भी कल चुन के जाएंगे यहाँ पे सांसद भवन में, चुन के जाएंगे विधानसभा में, चुन के जाएंगे, आप भी कल जाके अपने पिछड़े भाइयों को भूल जाएंगे, तो आप पे मतलब लोग भरोसा कैसे कर पाएगी आपके ऊपर? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं भूल जाऊँ। अगर मैं भूल भी गया तो जनता मुझे भूल जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है? आज तक बहुत बड़े बड़े नेता है, उनका रवैया देख के लोगों ने उनको भूल गया, वो आज धरातल पे है। ये माना जाता है कि RJD MY समीकरण से चलती है, मुस्लिम और यादव समीकरण से, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो MY समीकरण है कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव फिर से बिहार की राजनीति में एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जब तक लालू यादव के हाथ में बागदौड़ था RJD का, उस वक्त तक MY समीकरण चला। जब से तेजस्वी यादव उनके जानशीन बने,
उस वक्त से ये पार्टी MOI की पार्टी नहीं रही, ये XY A to Z पार्टी बन चुकी है। इसलिए MOI के समीकरण बिखर रहा है और आपको दिख भी रहा है कि हाँ बिखर रहा है। ये आपको बता दूं, आज के डेट में पूरे बिहार के मदरसा लचर स्थिति में है, इसलिए कि आज वहाँ मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, टेकर चेयरमैन है, वो कोई काम नहीं करते हैं, काफ़ी मसला अटका हुआ है। इसलिए हम लोग कि जो अकलियत के लोग हैं वो लोग काफ़ी अंदर से नाराज़ हैं और उस नाराज़गी का सिला 2024 में दिखाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ असलम मुखिया थे, जो कि इनका साफ तौर पर ये कहने के 24 और 25 में अहम रोल होगा AIM IMM पार्टी की, और किसी भी हालत में यहाँ से जो महागठबंधन की पार्टी है उसको जीतने नहीं देंगे हम लोग, अपना उम्मीदवार हम लोग खुद खड़ा करेंगे यहाँ पे, और 2024 में अपना हम लोग कैंडिडेट चुन चुके हैं और बहुत जल्द ही उसका ऐलान भी कर देंगे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से RJD हमारे 4-4 विधायकों को तोड़ दी पैसे के दम पे, उसी वजह से हम लोग भी यहाँ पे अपना विधायक तो खड़ा करेंगे ही, अपना सांसद भी खड़े करेंगे, और जहाँ जहाँ से RJD अपना उम्मीदवार उतारेगी वहाँ भी हम लोग अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे और उनको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर क्या ये कहना, अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 और 25 में क्या रोल होता है AIM IMM पार्टी की और कितना वोट मिलता है इनके खाते में। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।